हाय दोस्त, कैसे हो आप लोग? अच्छा होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इजी पे को लेकर। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो इजी पे का बहुत अच्छा एक न्यू अपडेट आया है, जिसमें बताया गया है जो डैशबोर्ड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसमें कैसे डिजाइन किया गया है पूरा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका डैशबोर्ड कैसे दिखते है पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आप अगर हमारा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आप अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सबसे पहले हर अपडेट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारा क्रोम ब्राउजर में और आपको दिखाते हैं कैसे डैशबोर्ड किया गया है। ये है हमारा एक पोर्टल है, देख सकते हो, ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है। और इसमें देख सकते हो पहले ऐसा था जो आपको कुछ समझ में नहीं आता था, जो आपका कितना काम हो रहा है आज का डेट में और क्या क्या ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, आप समझ में नहीं आता थे आपको। तो अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जो कैसे आपका यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो वॉलेट बैलेंस जो है यहाँ पे दिखा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे आपका सक्सेस रिचार्ज कितना हुआ है, आपका जो रिचार्ज जो है आपका सक्सेस रिचार्ज कितना हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है, आपका टोटल मेंबर कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा है यहाँ पे आईसीआईसीआई ट्रांजेक्शन, जो आईसीआईसी का जो एईपीएस ट्रांजेक्शन होता है वो कितना हुआ वो यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा है फिनो ट्रांजेक्शन, यहाँ पे डीएमटी ट्रांजेक्शन, बीपीएस ट्रांजेक्शन, एमपोस्ट ट्रांजेक्शन और आपका आईआरसीटी ट्रांजेक्शन और आपका यूपीआई कलेक्शन का ट्रांजेक्शन यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। आप अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अभी तक अगर नहीं चलाया है, आप अगर लॉगिन नहीं किया, लॉगिन करके देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है जो पहले नहीं था। अभी आपका ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दिया गया है। आप आपका बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर सकते हो, आपका कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ आपको सॉल्यूशन करना है, आपको पूरा आपको इसमें मिल जाता है। और दूसरा जो है यहाँ पे और बहुत सारा कुछ चेंजेस आने वाला है। आप यहाँ पे और एक ऑप्शन देख सकते हो जहाँ पे आईसीआईसी का ट्रांजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे अगर चाहे तो आप 2 दिन का 5 दिन का एक साथ में एक महीना का भी ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आज मेरा इतना ट्रांजेक्शन हुआ या कल मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ था, उससे पहले दिन का मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ था, लास्ट एक महीने में मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ, मैं मेरा अगला दिन का ट्रांजेक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले एक दिन का यहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे पहले दिन का ट्रांजेक्शन यहाँ पे 26 तारीख को सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद में 26 तारीख जैसे सिलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है ना ट्रांजेक्शन लिस्ट आपको दिखा देगा, कल का डेट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो कल का डेट में मेरा यहाँ पे 140 ट्रांजेक्शन हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हो उनका नाम, रिटेलर का और ट्रांजेक्शन आईडी, अमाउंट और यहाँ पे आरआरएन नंबर सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे दिखा रहा है, फर्स्ट 3 डिजिट यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे किसी रिटेलर का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जैसे उनका आधार नंबर देके भी सर्च कर सकते हो आप डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो। बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। और दूसरा यहाँ पे चाहे तो जो यहाँ पे जैसे रिचार्ज हो गया है और फिनो ट्रांजेक्शन, डीएमडी ट्रांजेक्शन, बीपीएस ट्रांजेक्शन कुछ भी हो, सब कुछ आप एक दिन पहले या एक महीने का पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप चाहे तो इस सर्विस बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। जो सर्विस आपका जैसे हो नहीं रहा है आप डायरेक्टली आपका रिटेलर के साथ बात करके करा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप चाहे तो इजी पे का रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके काम शुरू कर सकते हो। आप अगर एक इजी पे का न्यू आईडी लेते हो तो उसका साथ में आपको फ्री मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी रिचार्ज पोर्टल का, उसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारा पास से रिटेलर आईडी लीजिए। आप अगर एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम शुरू कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपको मिल जाता है आपको 599 में आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारा पास से डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी लेके काम शुरू कर सकते हो, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा हमारा पास से, और आपको इसमें से बहुत ही अच्छा कमीशन बनता है। आप अगर चाहे तो एक बार लेके ट्राई करके देख सकते हो। आप अगर सोच रहे हो जो हम पहले रिटेलर लेके काम स्टार्ट करेंगे, आप रिटेलर लो, पहले काम स्टार्ट करो, आपको अगर अच्छे तरीके से काम चलता है बाद में आप डिस्ट्रीब्यूटर लेके काम शुरू कर सकते हो, तो आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नया कोई अच्छा वीडियो के साथ में।